गुपचुप तरीके से अकेली यहां पहुंची दीपिका। लोगों से मिल की यह अपील। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों ऋषिकेश में है। वे लोगों की नजरों से छिपती छिपाती यहां पहुंची हैं। बताया जाता है कि वह कुछ दिन की छुट्टियां मनाने के लिए उत्तराखंड गई है। उन्होंने परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती मुनि महाराज और साध्वी भगवती के साथ गंगा आरती की। उनके कार्यक्रम को सबसे छिपाकर रखा गया है, किसी को नहीं दी खबर। कुछ दिन और रहेंगी यहाँ। यह ड्रेस पहनकर की आरती। दीपिका ने पूजा और आरती के दौरान सफेद कुर्ता और ग्रे शॉल पहन रखी थी। खबरों की माने तो दीपिका अभी कुछ समय उत्तराखंड में बिताएंगी और ऋषिकेश में राफ्टिंग का लुत्फ भी उठाएंगी। दीपिका ने माँ गंगा को साफ रखने के लिए लोगों से अपील भी की। उन्होंने गंगा के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखने के लिए लोगों से कहा है। इस होटल में ठहरी हैं दीपिका। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने के बाद दीपिका सीधे नरेंद्र नगर के आनंदा होटल के लिए रवाना होगी। जानकारी के मुताबिक दीपिका यहां की होटल आनंदा में ठहरी हुई हैं। सोमवार को लगभग शाम 4 बजे निकली और उसके बाद सीधे ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में पहुंच गई हैं। यहां स्वामी चिदानंद से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद वो गंगा पूजन में शामिल हुई। दीपिका की फिल्म पर हो रहा विवाद। दीपिका इन दिनों संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म में उनके साथ रणवीर सिंह और शाहिद कपूर हैं। फिल्म में दिखाए जाने वाले इतिहास को लेकर कुछ लोगों में गुस्सा है। इसके लिए संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट भी हो चुकी है। दरअसल फिल्म में राजस्थान के राजपूताना घराने की रानी पद्मावती की कहानी दिखाई जा रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म में राजपूत घराने की मर्यादा और रानी का मुस्लिम शासक खिलजी के साथ प्रेम संबंधों पर आपत्ति है। मार्च में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ की गई थी। कई अज्ञात लोगों ने सेट को आग लगा दी थी, जिससे पूरा सेट जलकर खाक हो गया था। उसके पहले राजस्थान की करणी सेना ने सेट पर हमला कर संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट की थी। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट। I'm not going to do that.